आज कालू घंटी की थर्ड पोयम सवैये, इसको समझाने जा रहे हैं। ये कवि रसखान द्वारा रचित है। इसके शब्दार्थ दिए बच्चों, बसो, बसो मीन्स बसना या रहना, मझा मीन्स बीच में, जैसे मझले वर्ड बनाए बोलते मझले, मझले मीन्स बीच का, जो बड़ा होता है उसका बड़ा बोलते, छोटा होता है छोटा बोलते, जो बीच का होता है उसका बोलते मंझला। इसी प्रकार मझा राशि से बना है वर्ड, मझा मीन्स बीच में। गिरी मीन्स पहाड़, ये पर्यायवाची पहाड़ का। पुरंदर मीन्स इंद्र, इंद्र का एक पर्यायवाची पुरंदर। कालंदी मीन्स यमुना, यमुना नदी का एक पर्यायवाची है कालंदी। तड़ाग मीन्स तालाब। कलधौत के धाम, इच्छे पोयम में आया है लाइन, कलधौत के धाम। कलधौत कहलाता है सोना। धाम मीन्स सोने चांदी के महल। भाव तो मीन्स पसंद, कहते भाव हमें निभाता है, भाता मीन्स पसंद। तेरी मीन्स पुकारना, ये बुंदेलखंडी वर्ड है, अपने गाँव में बुलाते तेर किला, तेर डाल मीन्स पुकार। आए वर्ड मीन समझिए, वर्ड मीनिंग इसमें पोयम में आए हुए। अब फर्स्ट पद इसमें रसखान कवि के बारे में बताना चाहती हूँ थोड़ा सा। रसखान कवि का जन्म सन 1548 में माना जाता है। इनका मूल नाम था सैयद इब्राहिम। रसखान इनकी उपाधि थी या पदवी मिली हुई थी इनको। ये दिल्ली के आसपास के रहने वाले थे, मुस्लिम संप्रदाय के थे और कृष्ण भक्ति के बहुत अच्छे वर्णन किए हैं, बहुत अच्छे कवि माने जाते हैं। और गोस्वाम विठल नाथ से उन्होंने शिक्षा दीक्षा ग्रहण की थी और करीब 1628 के आसपास इनकी मृत्यु मानी जाती है। सुजान रसखान, प्रेम वाटिका और रसखान रचनावली के नाम से भी रचनाएँ हैं। रसखान रचनावली से सवैये लिए गए हैं, इन्हीं को आज अपन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आपके पास बुक होगी, आपको बुक से मिलाना है। मैं सिर्फ यहाँ पर आपको पोएम की लाइन पढ़ के सुना रही हूँ, उनका अर्थ बता रही हूँ, ठीक है। मानुष, मानुष मीन्स मनुष्य। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल की ग्वार, गाँव की ग्वार। जो बसो हो तो कहाँ बस मेरो चरो चतुर नंद की धेनु मजा, धेनु मीन्स गाय। पाहन हो तो वही गिरी को जो क्यों हरी छत्र पुरंदर धार। जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालंदी को कदम की डार। इसमें बच्चे कुछ कठिन वर्ड आए हैं, मानुष मीन्स मनुष्य। रसखान कवि कहते हैं कि यदि अगले जन्म में भगवान मुझे मनुष्य बनाए तो वो कहते हैं कि, रसखान कवि कहते हैं कि मैं ब्रज और गोकुल के गाँव में ग्वालों के बीच रहना चाहता हूँ। यदि मैं मनुष्य बनता हूँ अगले जन्म में तो उनकी इच्छा है कि मैं ब्रज गोकुल गांव के बीच में रहना चाहता हूँ। यदि मुझे पशु बनाता है भगवान तो कहते हैं मेरा बस इतना ही कहना है कि मैं नंद बाबा की गांव के बीच चढ़ना चाहता हूँ। मझा रणमीन्स बीच में, बताया था वर्ड मझा रणमीन्स बीच में, नंद बाबा के गाँव के बीच चढ़ना चाहता हूँ। यदि मुझे पत्थर बनाते हैं तो वो कहते हैं कि मैं उस पहाड़ का पत्थर बनना चाहता हूँ जिसे भगवान विष्णु ने अपनी उंगली पर धारण किया था और इंद्र की वर्षा से बचाने के लिए, क्योंकि इंद्र ने एक बार कहा था कि मैं इतना पानी बरसा में सारा गोकुल बह जाएगा, तब कृष्ण ने कहा था कि तुम पानी बरसा के देख लो और मैं गोकुल को बचा कर रहूँगा। तब उन्होंने कृष्ण, जब जैसे इंद्र ने बारिश शुरू की तो कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत था वहाँ अपनी उंगली पर उठाया और सारे गोकुलवासी उस पर्वत के नीचे खड़ा कर दिया। तो उसी का वर्णन इसमें आया है कि वो कहते हैं कि मैंने पहाड़ पत्थर बनाऊँ, उस पहाड़ का पत्थर बनू जिसे भगवान कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था। आगे कभी चाहते हैं कि यदि मुझे पक्षी बनाते हो, खग मीन्स पक्षी, यदि मुझे पक्षी बनाते हो तो वो कहते हैं मेरा बसेरा यमुना नदी के किनारे पर लगे हुए कदम की डालियों पर हो। अर्थात इस पद में कवि ने यह बताया कि किसी भी रूप में यदि भगवान मुझे अगले जन्म में जन्म देते हो तो वह गोकुल में कृष्ण के आसपास रहना चाहते हैं। आगे कवि कहते हैं कि दूसरा पद, इसका मैं सेकंड पद समझा रहा हूँ। यह लपटी आर्य कमरिया पर राज तिहु पुरको तजी डाल। आठों सिद्धि नौ नदी के सुख नंद की गाय तज चराई विशाल। रसखान कहो इन आँखों से ब्रज के बनबाग तड़ाग निहाल। कोटे एक कलधौत के धाम करीर के पुण्य ऊपर वह। अब इसमें रसखान कवि कहते हैं लपटी मीन्स लाठ, कमरिया मीन्स कंबल, तजी मीन्स त्याग। कभी उसमें रसखान कवि कहते हैं मैं कृष्ण की लाठी और कंबल को पाने के लिए तीनों लोगों का राज त्यागने को तैयार हूँ। संसार की आठों सिद्धियाँ और नौ निधि के सुखों को भी नंद बाबा की गाय चलाने के लिए छोड़ने को तैयार हूँ। अभी संसार की आठों सिद्धियाँ हैं कि आपने देखा हो कि आठ सिद्धियाँ होती हैं, अड़िमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, ईशत्व, वशित्व। ये सिद्धियाँ हैं जो हमारे ऋषि मुनि प्राप्त करते हैं तपस्या के द्वारा, मीन्स ये सिद्धियाँ सबको साधारण लोगों को प्राप्त नहीं होती हैं। और नौ निधियाँ हैं
जैसे किसी की आपने कहा पैर में पद बना होता है, पदम बना होता है, संघ बना होता है, चक्र बना होता है, ये है नौ निधियाँ जो मनुष्य जन्म से लेकर पैदा होता है। तो ये वो कहते हैं कि मुझे ये सिद्धियाँ भगवान देता है तो मैं इनको भी कृष्ण के लिए छोड़ने को, कृष्ण की गाय चलाने के लिए छोड़ने को तैयार हूँ। रसखान का भी आगे कहते हैं थर्ड लाइन में कि जब से आंखों ने ब्रज प्रदेश के वन तालाब और करीब की झाड़ियाँ कहलाती हैं कांटेदार झाड़ियाँ जो आपको ब्रज में जगह जगह मिल जाएंगी, और आप यदि वहाँ पर निधि वन में जाओ तो आपको इसके पूरे पूरे झाड़ वन मिलता है करीब की झाड़ियों का। तो वो कहते हैं कि मैं रसखान कभी कहते जब से इन आंखों ने ब्रज प्रदेश के वनों को, तालाबों को, करीब की झाड़ियों को देखा है तब से मैं रहने के लिए कहते हैं मैं अपने सोने चांदी के महल त्यागने को तैयार हूँ। आया थर्ड पर समझ में। नेक्स्ट है मोर पखा से ऊपर रखो गुंजी की माल गरे पहरो ओढ़ पीताम्बर ले लो टेबल ग्वाधन ग्वारे संग फिरोगी भाव तो वो ही मेरो रसखानो सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी या मुरली मुरली धर की अधरन धरी अधरा न धरूंगी। अर्थात इसमें एक गोपी कृष्ण से रूठ गई है और कृष्ण से बात करना नहीं चाहती है, तब दूसरी गोपी आके उसकी सखी उसे समझाती हुई कहती है कि कोई बात नहीं कृष्ण चले गए तो कुछ नहीं, मैं कृष्ण का रूप वैसे ही धारण कर लूंगी जैसे तुम उनका पसंद है, और उसको मनाते हुए उसको समझाती है। मोर पंख से ऊपर कृष्ण ने मोर पंख को ऊपर लगा दिया तो कहती है मोर को पंख को मैं सिर के ऊपर धारण कर लूंगी। गुंज की लाल मोती की माला होती है, लाल मोती आता देखा उसको साधु संत उसकी माला पहनती है, तो वो कहती है मैं गुंज कहलाता है मोती गुंज, वो कहती है मैं मोर पंख से कृष्ण की तरह सिर के ऊपर धारण कर लूंगी और गले में गुंज की माला पहन लूंगी और पीला पीताम्बर ओढ़ के कृष्ण की तरह पीला पीताम्बर ओढ़कर हाथ में लाठी लेकर गोधन ग्वारे तो गोधन मीन्स गायों के पीछे ग्वालों के संग वन में फिरूंगी, अर्थात कृष्ण की तरह पूरी काम करूंगी। भाव तो मीन्स अच्छा लगना पसंद ही पढ़ने में दिया है भाव तो मीन्स पसंद, वो कहती है जो तुम्हें कृष्ण का रूप अच्छा लगता है वही रूप में धारण कर लूंगी, स्वांग करूंगी, स्वांग मीन्स नाटक करना किसी की उसी की तरह नकल करना, तो वो कहते कृष्ण की तरह मैं स्वांग करूंगी अर्थात कृष्ण की तरह मैं सारी रूप धरकर उनकी तरह नकल करूंगी या मुरली मुरली धर की, परंतु उस मुरलीधर की कृष्ण के बहुत सारे नाम है एक नाम मुरली का, परंतु वो कहते उस मुरलीधर की मुरली को मैं अपने ओंठों पर किसी भी हालत में धारण नहीं करूंगी अधरा मीन्स ओंठ, तो वो कहती है मैं कृष्ण की मुरली को किसी भी हालत में अपने ओंठों पर धारण नहीं करूंगी क्योंकि इसी मुरली ने कृष्ण इस काम में दीवाना बनाया और कृष्ण से हमें दूर किया है। आया बच्चे समझ में, तो इसको डिवीजन में देखिए मोर पंख से ऊपर कृष्ण की तरफ सिंगार करती है कहती है मैं मोर की पंख को सिर के ऊपर धारण कर लूंगी, गले में गुंजी की माला पहन लूंगी और पीला पीताम्बर ओढ़कर लकटी लेकर लकटी मीन्स लाठी लेकर वन में ग्वालों के संग गायों के पीछे फिरूंगी, तो मैं जो कृष्ण का रूप अच्छा लगता है वही रूप में धारण कर लूंगी परंतु उस कृष्ण की मुरली को मैं किसी भी हालत में अपने ओंठों पर धारण नहीं करूंगी क्योंकि इसी मुरली ने कृष्ण का दीवाना हमें बनाया है। लास्ट पद है फोर्थ पद इसका, ये बहुत अच्छा है, इसमें उसने कृष्ण की बहुत अच्छे से भक्ति को प्रकट किया है। कानंद आंगुली रही हो जब ही मुरली ध्वनि मंद बजे हो मोहिनी तानन सो रसिखाई अटा चढ़े गोधन गे है तु गे तेरी कहो सगरी ब्रज लोगन काले को कितनो समझे है मायरी वा मुक्की मुस्कानी समरी न जय है न जय है न जय। अब इसमें गोपी कह रही है कृष्ण से परेशान हूँ कृष्ण आते ही नहीं है मथुरा चले गए हैं, गोपियाँ उनकी ब्रह्म में रोती है, तब वो कहती है गोपी कि अब कृष्ण को आने और अब कृष्ण जब भी कृष्ण कानन मीन्स कानों में, तो कहती जब भी कृष्ण अपनी ध्वनिमंद मीन्स धीमे स्वर में जब भी कृष्ण धीमे स्वर में बंसी बजाएंगे तो वो कहती मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी अर्थात कृष्ण की मुरली की ध्वनि को सुनना नहीं चाहती, मुझे मुरली ही नहीं सुनेगी तो कृष्ण के पास दौड़ेगी ही नहीं, तो वो कहती है कि जब भी कृष्ण मधुर मीठे और धीमे स्वर में मुरली बजाएंगे तब मैं अपने कानों पर उंगली रख लूंगी। और फिर रस खाने मीन्स आनंद रस मीन्स आनंद खाने मीन्स खान रसों का खान, तो कृष्ण रस की खान है आनंद आता है, फिर वह अपनी मोहिनी का अटारी मीन्स अटारी पर चढ़कर अट्टालिका पर चढ़कर चाहे वहाँ से मुरली की तान बजाए गोधन नाम का लोकगीत गाए तो गाता है, जैसे आपने देखा हो दीपावली के समय
जो हमारे ग्वालवा लोकगीत गाते हैं, तो उन्हीं को है गोधन नामक लोकगीत, जो गायों के स्वागत में गाया जाता है। तो क्या गोधन नाम का लोकगीत गाए तो गाता रहे, मुझे सुनाई नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि वो अपने कानों पर उंगली रख लेगी। तो वो कहते हैं चाहे कृष्ण मधुर स्वर में मुरली बजाएंगे, चाहे गोधन नाम का लोकगीत गाए तो गाए, और चाहे अटारी में चढ़ के मुरली बजाएंगे, इस अटारी का पचड़ कर मुझे सुनाई नहीं देगी, क्योंकि वो फिर कानों से उंगली को बंद, उंगली से कानों को बंद कर लेगी। आगे गोपी कहती है टेरी कहो, टेरी मीन्स पुकारना है, बुलाना। आपने देखा गाँव में कहते जा टेल्ला, टेल्ला मीन्स बुलाना। तो आगे वो कहती है कि टेर कहो सगरे, सगरे मीन्स सब लोग, ब्रज के लोग, ये ब्रज के लोग मैं सबको टेर कर मीन्स बुला कर या पुकार कर कह देती हूँ। कोई कितना समझे यदि कृष्ण की मुरली किसी तरह मेरे कानों में पड़ गई, तो फिर मुझे कोई कितना ही समझाएगा, मेरा मन बस में नहीं होगा। फिर वो अपनी माँ से कहती है, माँ को भी अपनी आदत समझाती हूँ, कहती है माँ कृष्ण की मुख की मुस्कान बहुत ही मनमोहक है, यदि मैंने उसको देख लिया तो मैं चाह कर भी मैं नहीं समझ सकती। आया समझ में? वो कृष्ण की दीवानी इस तरह अपने आप को कैसे पाती है, मजबूर पाती है, या अपने आप को कहती कि मैं रुक नहीं पाऊंगी, कृष्ण के पास दौड़ के चली जाऊँ। आया समझ में?